नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लग टॉप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बट हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आइए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्लग टॉप पिन में चीरा यानी कट क्यों बना होता है। तो जनरली फ्रेंड्स, ऐसा स्पेशल केस में होता है जब कोई प्लग टॉप ब्रास मटेरियल का बना होता है तो उसी में इस तरह का कट या स्प्लिट देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्रास तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी हीट भी होता है। और इन केस अगर उस पर कभी ज़्यादा लोड पड़ता है और उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम होती है तो ऐसी केस में क्या है, उसमें वो एक्सपैंड करता है और जिसकी वजह से सॉकेट में वो प्लग टॉप जाम हो सकता है। इसी समस्या से बचने के लिए उसमें जो है एक कट दे दिया जाता है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। किसी पिन में चीरा होता है और किसी में नहीं होता है, ऐसा क्यों? और हाँ, जिस पिन में चीरा नहीं बना होता है वो जनरली एल्युमिनियम की बनी होती है। बट फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ ऐसी भी पिन देखने को मिलती हैं जो ब्रास जैसी तो नहीं दिखती हैं लेकिन उनमें कट बना होता है। तो फ्रेंड्स, उस पर निकेल का पॉलिश किया होता है और अगर आप उस काट मटेरियल को काट के देखेंगे तो वो जो है ब्रास का ही बना होता है। तो यही रीज़न है कि किसी में आपको चीरा देखने को मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। जिसमें चीरा नहीं देखने को मिल रहा है वो 100% वो एल्युमिनियम मटेरियल का बना हुआ है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपने देखा होगा कि जो 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग वाला पिन होता है वो मोटा बनाया जाता है। उसका रीज़न ये और थोड़ा सा वो नॉर्मल पिनों की अपेक्षा वो थोड़ा सा बड़ा भी होता है। तो जनरली फ्रेंड्स, ये जो है सिर्फ सेफ्टी रीजन की वजह से होता है क्योंकि जब हम कोई प्लग टॉप को किसी सॉकेट में जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसके लंबे होने की वजह से, जो उसका अर्थिंग वाला पिन है लंबे होने की वजह से, सबसे पहले वो अर्थिंग वाले पॉइंट से टच होता है, जिससे जो है रिस्क कम हो जाता है, हमको कोई खतरा नहीं रहता है। और इसी प्रकार जब हम उस प्लग को सॉकेट से बाहर निकालते हैं तो अर्थिंग वाला पिन सबसे लास्ट में डिस्कनेक्ट होता है। तो हमको चाहे प्लग को लगाना हो या हमको प्लग को निकालना हो, हम हमेशा जो है सेफ जोन में रहते हैं। तो यही वजह है कि उसका जो अर्थिंग का पिन है वो थोड़ा मोटा और थोड़ा लंबा बनाया जाता है। और साथ में जो है उस थोड़ा सा पिन को थोड़ा एरिया मोटा होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है और कहीं शॉर्ट सर्किट होती है तो करंट जो है उधर से पास हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे लगी जानकारी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।